Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. तो दोस्तों यार सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और थोड़ी सी यार कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे को भी, क्योंकि यार जैसा कि आपको पता है कल का जो मैच था उसमें एक बार वापस अपने चैनल ने वन साइड क्लीन स्वीप कर दी। और दोस्तों वन साइड से मेरा मतलब है कोई आसपास भी नहीं आया, अपोनेंट 10-20 पॉइंट के दायरे में भी नहीं आ पाया और यार मजा ही आ गया। लेकिन दोस्तों ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने किया है ये क्लीन स्वीप का नहीं है, क्योंकि क्लीन स्वीप तो अब रेगुलर हो गई है, नॉर्मल हो गई है अपने चैनल पे। ये कॉन्ग्रेचुलेशन था दोस्तों अपनी विनिंग स्ट्रीक का, क्योंकि अपनी विनिंग स्ट्रीक जो है वो कल भी हमने कंटिन्यू रखी। जैसा कि आपको बताया दोस्तों आईपीएल में अपने चैनल की विनिंग स्ट्रीक चल रही है, रेगुलरली आईपीएल के मैचेज में हम क्लीन स्वीप मारे ही जा रहे हैं, हम रुक ही नहीं रहे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अपना जो चैनल है ना वो एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने आईपीएल में इतनी लंबी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखी है, बिना कोई मैच हारे आईपीएल के इतने मैचेज में रेगुलरली अपने सब्सक्राइबर्स को प्रॉफिट करवा के दिया है। अगर और कोई भी चैनल आपके दिमाग में हो तो बता दो, क्योंकि मेरे को पता है भाई ऐसा कोई चैनल अभी है ही नहीं जिसने रेगुलरली इतने मैचेज में प्रॉफिट करवा के इतनी लंबी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू कर रही है। अब दोस्तों अपने चैनल का यार इतना प्रॉफिट करवाने का रीजन क्या है, इतनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखने का रीजन क्या है, देखो कल का ही मैच उठाते हैं। कल जो मैच था वो था आरसीबी और लखनऊ का, ठीक है। उसका जब मैंने कल वीडियो बनाया था तब मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। सबसे पहले तो देखो मैंने आपको बताया था कि भाई जेसन होल्डर, इसको बहुत सारे लोग ड्रॉप करेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस बंदे को आरसीबी के अगेंस्ट खेलना पसंद है, ये बंदा आपको 2 विकेट लेके गया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रवि बिश्नोई, इसके थोड़े यार दिन खराब चल रहे हैं, अगर ये विकेट लेगा तो फिर दिनेश कार्तिक का लेगा, अदरवाइज इसके चांसेस कम है। दोस्तों दिनेश कार्तिक का विकेट लेने के लिए रवि बिश्नोई का एक ओवर 18वें ओवर तक रखा गया था, लेकिन जैसे ही वो आए दिनेश कार्तिक उनको ओवर दिया गया, लेकिन फाफ डू प्लेसी ने दिनेश कार्तिक को एक भी बॉल उस ओवर की नहीं खेलनी थी, क्योंकि उन्हें भी पता था डीके का विकेट रवि बिश्नोई ले सकता है। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई जोश हेजलवुड, इसको बहुत सारे लोग आज हसरंगा के लिए ड्रॉप करेंगे, अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे हसरंगा को ड्रॉप कर देंगे जोश हेजलवुड को नहीं करना है। 4 विकेट दोस्तों, 4 विकेट देके गया था लोंडा। मैंने आपको हर्षल पटेल का भी बताया था, यार हर्षल पटेल का पिछला मैच जरूर खराब गया था, लेकिन इस मैच में वापस बैक इन फॉर्म आ सकता है, आपको विकेट लेके दे सकता है, वो बंदा भी आपको अच्छे खासे पॉइंट देके गया। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी भी बंदे के पास मैच स्टार्ट होने से पहले ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैच के बारे में होगी, इतनी सारी करेक्ट प्रेडिक्शन मैच के बारे में होगी, तो यार वो कैसे हार सकता है, चांस ही नहीं है यार। अब देखो दोस्तों आज भी आईपीएल का एक मैच है दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इस मैच में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, अच्छा खासा जीतना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वही काम करना है जो आप हमेशा करते हो। कल की तरह आपको आज के इस वीडियो को भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना है, कुछ भी मिस मत कर देना। आगे इस वीडियो में दोस्तों इस मैच की पूरी कुंडली खोलने वाला हूँ, प्लेयर बैटल, प्लेयर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट से लेकर सारी चीज, टीम न्यूज वगैरह सब आपको आगे इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो देखो मैं तो मानूंगा सब ऑफकोर्स जीतने या हारने तो कोई आया नहीं होगा, तो 20-25 मिनट में आपसे मांगूंगा सारे अपने काम साइड में रख के थोड़ा सा इस वीडियो पर फोकस कर लो और आज की अपनी जीत कंफर्म कर लो। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, ये वाला जो मैच है ना आईपीएल का 32nd मैच है, 32वां मैच है, अभी तो आईपीएल के बहुत सारे मैच बाकी पड़े हैं, आगे भी प्रॉफिट कमाना है ना, ऑफ कोर्स कमाना है, तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वही काम करना है जो 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या किया है वो देखो नीचे लाल वाला बटन, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई अपडेट आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लाऊंगा वो सारी अपडेट आप तक सही सलामत पहुंचती रहेंगी। अपडेट जब तक आपको मिलती रहेगी तब तक आपकी विनिंग होती रहेगी, ठीक है। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने पे भरोसा दिखाया यार, आप भी दिखाओ। बात करते हैं दोस्तों देखो दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स के बारे में, तो आज के टाइम पे 7:30 बजे खेला जाएगा ब्रिबन स्टेडियम मुंबई के अंदर। एक चीज मैं आपसे और बोलूंगा दोस्तों, आपको विनिंग स्ट्रीक पे मैं लेके चल रहा हूँ, रेगुलरली आपका प्रॉफिट करवा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और दोस्तों सपोर्ट दिखाने का देखो एक ही तरीका है, जिसने भी अभी तक अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो फटाफट से देखते देखते एक लाइक का बटन दबा देना, 1 सेकंड लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। 5000 लाइक्स आप इस वीडियो पे कंप्लीट कर दो, कल के वीडियो पे कहिए दिल से अच्छा लगा, आज भी कर दो अच्छा लगेगा, है ना। और दोस्तों यार किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहना कि यार कोई और कर देगा, आप ही कर दो यार, 1 ही तो सेकंड लगेगा, चार्ज वगैरह तो थोड़ी लगेगा, तो 1 सेकंड लगेगा, फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो पिच रिपोर्ट, वेदर को छोड़ो साफ रहेगा, पिच के बारे में बात करते हैं।
बर्बन स्टेडियम का जो पिच है दोस्तों वो बैट्समैन को सपोर्ट करता है और जनरली पेसर्स को सपोर्ट करता है। कई बार यहाँ पर स्पिनर्स को भी सपोर्ट देखने को मिलता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से पिच पर मैच खेला जाता है, उसके बारे में और बात करेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि यार आगे इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिपोर्ट, टीम न्यूज, प्लेयर बैटल, प्लेयर के सारे रिकॉर्ड सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक चीज आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल सकती, वो है यार इस मैच की फाइनल टीम, क्योंकि यार अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपनी फाइनल टीम नहीं बनती। आपको पता है टॉस होने के बाद अपनी फाइनल टीम आपको हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, देखो यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करते ही 2 सेकंड के अंदर आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फ्री में फायदा उठा रहे हैं, तो आपको भी जरूर से जुड़ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों जिस टीम से मैं खेलता हूं, जिस टीम से अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली खेलती है, वो टीम आपको टॉस के बाद वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। रेगुलरली हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, जरूर से जुड़ जाना है। अभी जाके जुड़ना चाहो अभी जुड़ जाना, या फिर इस वीडियो को खत्म होने के बाद जुड़ना चाहो बाद में जुड़ जाना, लेकिन जुड़ना जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, देखो हम पिछले कुछ मैचेस जो इस पर्टिकुलर मैदान में खेले गए हैं थोड़ा सा फोकस करूं। सबसे पहले एक मैच जो 10 अप्रैल को खेला गया था इसी पर्टिकुलर मैदान में, इसमें अगर आप देखोगे तो पेसर और स्पिनर के विकेट में दोनों को लगभग बराबर विकेट थे, एक विकेट एक्स्ट्रा मिला था स्पिनर को, ठीक है। उसके अलावा 15 अप्रैल को खेला गया था दोस्तों, इसमें आप देखोगे तो पेसर्स को, फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा विकेट मिले थे, स्पिनर को ओनली एक विकेट मिला था। 16 अप्रैल को दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिले, और 18 अप्रैल को जो खेला गया था वहां पर आप देखोगे तो स्पिनर्स को 2 विकेट ज्यादा मिले, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर फास्ट बॉलर थोड़ा सा स्पिन बॉलर, ठीक है। अब देखो यार होता क्या है कि एक मैदान में 3-4 पिच होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो वो कौन से पिच पर खेला जाता है मैच उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को लगता है इस मैच में भी फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मैं आपसे फिर भी बोलूंगा कि फाइनल जो पिच रिपोर्ट होगी ना उसका वेट करना। फाइनल पिच रिपोर्ट दोस्तों टॉस के टाइम आएगी, वो आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपको जरूर ज्वाइन करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थोड़ा सा और गौर करो दोस्तों, यहाँ पर देखो 217 के समथिंग स्कोर बना है, यहाँ पर आप देखोगे तो 200 के समथिंग स्कोर बना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 215 के समथिंग बना है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 176 ही बना है, लेकिन 17.5 ओवर में, यानी कि 18 ओवर में, तो 20 ओवर में मैं मान रहा हूँ कि 200 के समथिंग इस मैच में भी बन जाता आराम से। तो दोस्तों इस बात से एक कंक्लूजन निकलता है क्या कि यार इस पर्टिकुलर मैदान में हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, और ये वाला मैच भी आपको हाई स्कोरिंग देखने को मिलेगा, और हाई स्कोरिंग से मेरा मतलब है कि बैट्समैन को अपनी टीम में आपको ज्यादा प्रीफर करना है। बात करते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में इन दोनों टीम्स की। तो यार हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो आईपीएल 2021 में 2 मैच खेले गए थे, दोनों मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे, पंजाब किंग्स ने नहीं जीते थे, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पंजाब किंग्स ने 2 मैच ज्यादा जीत रखे हैं दिल्ली कैपिटल्स से, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस भी वैसे नहीं है, दोनों ही टीम अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दे सकती है। दोस्तों अगर मैं रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ इन दोनों टीम्स की, तो आप देख सकते हो इधर दिल्ली कैपिटल्स की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन है, 5 मैच में 2 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं, और 8th पोजीशन पर कॉन्स्टेबल में बैठे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ पंजाब की तो 6 में से 3 मैच जीत के 3 मैच हार के ये इनके जस्ट ऊपर बैठे हैं, यानी कि 7th पोजीशन पर। बात करते हैं दोस्तों देखो हम इन दोनों टीम्स की विनिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो यार विनिंग प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी है कि मतलब मेरे को तो बराबर ही लग रही है, लेकिन फिर भी पंजाब के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि इनके एक मिचेल मार्श जो आपको इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे वो उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज जो है पंजाब के पास रह सकता है। अच्छा दोस्तों आपने हमारा यार इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और यार पसंद आ रहा हो तो पीछे मत रहो, फटाफट से वीडियो को एक लाइक करो, है ना। 5000 लाइक्स आपको इस वीडियो पे कंप्लीट करने हैं, आपको इतना रेगुलरली जिता रहा हूं, इतनी विनिंग स्टिक करवा रहा हूं एकदम फ्री में, तो थोड़ा तो यार देखो आप सपोर्ट कर सकते हो। खैर देखो दोस्तों आगे हम बात करेंगे माई 11 सर्कल के बारे में, एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देता है। दोस्तों सबसे पहले तो देखो इसकी डाउनलोड लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, डाउनलोड करते ही आपको 1500 रुपये तक का साइनअप बोनस मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप जब वहां पर अपना फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल सकता है, अपना एक कूपन कोड है सपोर्ट, वो अगर आप डिपॉजिट के टाइम यूज कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं वहां पर बीट दी एक्सपर्ट के कॉन्टेस्ट चलते हैं, एक्सपर्ट को हराओ और 5 गुना कैश जीत के लेके जाओ, एकदम हेड टू हेड की तरह होता है। और दोस्तों वहां पर ग्रैंड लीग का जो बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज है इंडिया का वो भी आपको माई 11 सर्कल पर देखने को मिलता है, तो जिसने भी डाउनलोड नहीं किया हो वो कर सकता है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुछ टीम न्यूज के बारे में, दोनों टीम्स की तरफ से थोड़ी बहुत न्यूज आ रही है जिसके बारे में आपका जरूरी है जानना, तो कुछ टाइम दे दो फटाफट समझा देता हूँ। दिल्ली कैपिटल्स की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मिचेल मार्श आपको क्यों नहीं खेलते हुए दिखेंगे ये ध्यान दो कि अभी कुछ टाइम पहले टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, ठीक है, तो इनको साइड में कर दिया गया है, कुछ लोगों का क्वारंटीन किया गया है, टेस्ट हो रहे हैं उनके। बाकी देखो अगर मिचेल मार्श नहीं खेलते हैं, ऑफकोर्स नहीं खेलेंगे, तो उनको सीफर्ट की जगह या फिर नोटिया की जगह रिप्लेस किया जाएगा। अब नोटिया एक बॉलर है तो मेरे को ज़्यादा चांसेज है
टिम सीफर्ट के इस मैच में खेलते हुए दिखने के लग रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दो कि अक्षर पटेल जो है इस मैच में पावर प्ले के अंदर आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। क्यों दिख सकते हैं? क्योंकि उनके अगेंस्ट में ओपनिंग कौन करेगा? एक तो शिखर धवन, दूसरे मयंक अग्रवाल, और दोनों के अगेंस्ट ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मतलब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मयंक अग्रवाल को 43 बॉल में ओनली 36 रन बनाने दिए हैं, और वहीं अगर मैं बात करूँ धवन की तो धवन को भी 100 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा पे इन्होंने खेलने नहीं दिया है। तो पावर प्ले के अंदर आप इन्हें देख सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों वही बात है कि अगर अपने पास और कोई अपडेट आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया टोस्ट जब तक नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है दोनों टीम की तरफ से, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो भी आएगी वो आपके साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। बात करते हैं दोस्तों हम पंजाब किंग्स की टीम न्यूज के बारे में, तो वो भी मैं आपको एक सेकंड में समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान दो कि धवन और रबाड़ा दोनों के दोनों अपनी पुरानी फ्रेंचाइज यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेल रहे होंगे, और जब आपको पता है कोई भी प्लेयर पुरानी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट खेलता है तो अच्छी परफॉर्मेंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुरानी फ्रेंचाइज के बारे में उसे पता होता है, उसके प्लेयर के बारे में पता होता है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में पता होता है, ठीक है। तो देख लेना इन दोनों को। बाकी उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको पता है पिछले मैच में मयंक अग्रवाल नहीं खेले थे, इंजरी थी टो में अंगूठे में, लेकिन देखो ज़्यादा बड़ी खास इंजरी नहीं थी तो मेरे को लगता है रिकवर हो गए होंगे। हालांकि कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं आई है कि रिकवर हुए नहीं हुए, मेरे को लगता है हो गए होंगे, ठीक है। जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। ओडियन स्मिथ के दोस्तों में बात करूँ तो आपको पता है रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है बेनी होवल्स। अब बेनी होवल कैसे करते हैं वो देखते हैं, बाकी ये भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे को लगता है कि रिप्लेस किया जा सकता है अगर ऑफिशियल अपडेट आती है टेलीग्राम पर। और वही बात है दोस्तों, और कोई भी अपडेट आती है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से तो वो भी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने गिव अवे के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है अपने हर वीडियो में गिव अवे होता है, मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा इसी मैच से रिलेटेड, उन्हीं का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप अनलिमिटेड कमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही कमेंट में आपका जवाब सही आए, चाहे 100 कमेंट करना, लेकिन एक भी कमेंट में अगर आपके दोनों सवालों का जवाब सही आ गया आप गिव अवे विनर बन जाओगे। दोस्तों सबसे पहला सवाल है इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहने वाला है, अभी कमेंट मत करना, पहले दूसरा सवाल सुन लेना, वो आपको आगे वीडियो में मिलेगा, उसके बाद कमेंट करना। और दोस्तों ये अपने गिव अवे के दो रूल हैं, आपको एक हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, दूसरा इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, तभी आप इस वीडियो के गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, तो वो आपको भी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी, ठीक है। ये 11 खिलाड़ी आपको इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए दिख सकते हैं, और दोस्तों वही बात है ये है सिर्फ एक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, ये फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। फाइनल प्लेइंग 11 टॉस के बाद अपने को मिलेगी, जो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं डेथ ओवर बॉलर्स बताऊँ तो आपको मुस्तफिज रहमान डेथ में दिख जाएंगे, शार्दुल ठाकुर डेथ में दिख जाएंगे, और खलील अहमद एक आधा ओवर डेथ में आपको डालते हुए दिख जाएंगे। डेथ ओवर बॉलर्स दोस्तों मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि डेथ में आपको बताएं कि विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं और इनके विकेट लेने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं अपनी टीम की कि अपनी टीम में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो 100% रहेंगे, ये स्मॉल लीग की टीम की बात हो रही है, तो उसमें दोस्तों पृथ्वी शो और डेविड वॉर्नर दोनों के दोनों रहने वाले हैं, ऋषभ पंत अपनी टीम में रहने वाले हैं, और उसके अलावा दोस्तों यहां से कुलदीप यादव का मैं 100% कह सकता हूं। तो ये जो चार प्लेयर मैंने आपको अभी बताए ये चारों फिक्स कर दिए हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से, ये चारों के चारों मेरी जो टीम रहेगी उसमें रहेंगे, इन चारों को अपन कहीं नहीं छोड़ रहे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों देखो दिल्ली कैपिटल्स के सारे प्लेयर के रिकॉर्ड्स के बारे में, तो वो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया ना एक एक चीज़ इस मैच के बारे में बताऊंगा तो प्लेयर की पूरी कुंडली भी खोलेंगे, ठीक है। पृथ्वी शो की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर आपको इनका रिकॉर्ड दिख रहा होगा आईपीएल में कैसा परफॉर्म किया है, 53 मैच खेल के 1305 रन बनाए हैं और 24.87 का बैटिंग एवरेज, और ये इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस, पिछले मैच में 16 रन बनाए थे, उससे पहले 51 थे, उससे पहले 61, 10, अच्छी फॉर्म में है। पिछले मैच में भी एक स्टार्ट मिली थी, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, और इनको तो मैंने फिक्स कर भी दिया है, ठीक है। डेविड वॉर्नर की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो पिछले दो मैच से रेगुलर 50 आ रही है, तो डेफिनेटली इन्हें अपनी टीम में हम रखेंगे, ठीक है। टीम सीफर्ट की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो एक मैच जो इन्होंने खेला था उसमें 3 रन बनाए थे, उसके बाद 3 मैच तक रेगुलर ड्रॉप किया गया, इस मैच में आपको खेलते हुए देख सकते हैं, कोई खास नहीं है। ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में चाहे से रह देना, ठीक है। ऋषभ पंत की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इनको तो मैंने फिक्स भी कर दिया, ठीक है। रोमन पवल दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इनको हो सकता है ड्रॉप किया जाए टीम से, क्योंकि ये भी रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, है ना, तो हो सकता है, बाकी चांसेस कम है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यादव का, ललित यादव की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हैं, इनका मैं जरूर कहूँगा। स्मॉल लीग की टीम में हम हो सकता है अपनी टीम में नहीं रखें क्योंकि अपने पास और भी अच्छे पिक हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में क्यों है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के साथ पॉइंट दे सकते हैं, और अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम जल्दी आउट हो जाती है 2-3 प्लेयर जल्दी, तो फिर ललित यादव की बैटिंग अच्छी खासी आएगी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अक्षर पटेल इस सीजन में अभी तक टोटल ही एक विकेट लिया है, मतलब कि बॉलिंग के साथ उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है,
उसके अलावा शार्दुल ठाकुर की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, पिछले 2-3 मैच से ठीक ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 1-2 और 1 पिछले 4 मैच में टोटल 4 विकेट, और साथ ही साथ दोस्तों बैटिंग भी आती है तो बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन ये एक बॉलर है, बैटिंग से अपने को उम्मीद करके नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। कुलदीप यादव रेगुलरली परफॉर्म कर ही रहे हैं, इनको तो फिक्स कर ही दिया है। खलील अहमद की दोस्तों मैं बात करूँ, रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली अपनी स्मॉली की टीम में रहेंगे। और मुस्तफिजुर रहमान दोस्तों अच्छे बॉलर हैं, लेकिन पिछले 3 मैच से 1 भी विकेट अपनी टीम के लिए नहीं लिया है, अपनी टीम में हम ड्रॉप करके चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये इन्होंने विकेट नहीं लिया इसलिए इनका सिलेक्शन परसेंट कम रहेगा, और सिलेक्शन परसेंट कम रहेगा, मुस्तफिजुर रहमान एक क्लास बॉलर हैं, इसलिए ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे खासे पिक बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ पंजाब किंग्स की टीम के बारे में, तो वो भी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी, और वही बात है दोस्तों, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 फाइनल मत मान लेना, फाइनल आपको टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल, बट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ इनके डेथ ओवर बॉलर्स की, तो अर्षदीप सिंह, कगिसो रबाडा, एक आधा ओवर ओडियन स्मिथ के खेलने के चांसेस भी कम है, लेकिन मैंने अपनी टीम में इधर चेंज नहीं किए क्योंकि ऑफिशियल अपडेट कुछ अभी तक आई नहीं है, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती तब तक मैं भी कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं कर सकता, कम से कम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। बात करते हैं दोस्तों अपनी टीम के प्लेयर्स के बारे में, तो शिखर धवन 100% रहने वाले हैं, उसके बाद अपनी टीम में लियाम लिवंगस्टन जरूर रहेंगे, कगिसो रबाडा जरूर रहेंगे, और उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली राहुल चाहर भी रहेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 प्लेयर हैं ये मैं इस टीम की तरफ से फाइनल कर रहा हूँ, 4 प्लेयर दोस्तों मैंने आपको उस वाली टीम से फाइनल करके दिए, तो टोटल हो गए हैं 8 प्लेयर फाइनल, 3 प्लेयर और बचे हैं क्योंकि 11 प्लेयर की टीम होती है, वो 3 प्लेयर कहाँ गए दोस्तों, वो जो 3 प्लेयर हैं वो फाइनलाइज होते हैं टॉस के बाद, क्योंकि टॉस के बाद अपने पास पिच रिपोर्ट आती है, ठीक है, बहुत सारी अपडेट आती है, कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है, उसके बेसिस पर वो फाइनल 3 प्लेयर डिसाइड होता है, और वो आपको हमेशा टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों वहाँ से आप चेक कर सकते हो और अपनी टीम जो है मॉडिफाई कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं दोस्तों इन्हीं प्लेयर्स के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो ये रहे सारे पंजाब किंग्स के प्लेयर, शिखर धवन का ये आईपीएल का रिकॉर्ड, साथ ही साथ रीसेंट परफॉर्मेंस में अगर आप देखोगे तो पिछली मैच थोड़ी हल्की गई थी, उसके अलावा 70-35-33 यानी कि अच्छी पारी ये खेल सकते हैं, इनको फिक्स कर ही दिया। मयंक अग्रवाल की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये सीजन कुछ खास अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिर एक मैच में इन्होंने 50 जड़ी, पिछले मैच में टो इंजरी की वजह से खेले नहीं थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वापस आ जाएंगे। जोनी बेस्टो की अगर मैं दोस्तों में बात करूँ तो इनकी भी कोई पिछले 3 मैच से खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो हो सकता है इनके भी सिलेक्शन परसेंट कम रहे, इसीलिए दोस्तों ये भी आपकी ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है हम सब जानते हैं। लियाम लिविंगस्टन को दोस्तों फाइनल कर ही दिया पिछले मैच में 60, उससे पहले 2, उससे पहले 64 और उससे पहले 60+2 विकेट, मतलब कि बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों शाहरुख खान, इनमें भी पोटेंशियल है लेकिन रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो 10, तो 2 टीम में इनको ट्राई कर लेना, मैक्सिमम 2 में, ज्यादा में मत करना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें जितेश शर्मा, यार ये एक काफ़ी इंप्रेसिव मेरे को लगे हैं इस सीजन में, क्योंकि इन्होंने पहले कोई मैच खेले नहीं है, डेब्यूट मारा आईपीएल में और आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस किया, मतलब जब जब जरूरत पड़ी एक डिसेंट पारी अपनी टीम के लिए खेली है। स्मॉल लीग की टीम में हम ट्राई नहीं करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में आपको 1-2 टीम में इन्हें भी ट्राई करना चाहिए। ऑडियंस में दोस्तों खेलने के चांसेस कम है क्योंकि इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस आप खुद देखो, ठीक है, पिछले मैच में 13 रन बनाए थे, विकेट नहीं लिया था, उसके पहले 4 विकेट आपको दिख तो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डेथ वाले ओवर में, लास्ट वाले ओवर में आए थे बॉलर्स के, इन्होंने विकेट लिए थे और जबरदस्ती विकेट आए थे वो, इनको काउंट मत करो तो ये अच्छा है, उससे पहले 0, उससे पहले 1, और साथ ही साथ दोस्तों मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, इनकी इकोनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, एक एक ओवर में ये 10-10, 11-11, 12-12 रन अपनी टीम के अगेंस्ट ठुकवाते हैं। उसके अलावा दोस्तों कगिसो रबाडा हर एक मैच में विकेट ले रहे हैं, फाइनल कर ही दिया। अर्षदीप सिंह दोस्तों आपकी टीम के लिए ग्रैंड लीग के काफ़ी शानदार पिक, इनके भी सिलेक्शन परसेंट थोड़े कम रहेंगे क्योंकि इन्होंने भी पिछले 3 मैच में विकेट नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी रेट इनके डेथ में रह रही है, सारी टीम्स को अगर आप मिलाओ, इसको ही नहीं सारी टीम्स को मिलाओ, ठीक है, मतलब बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट नहीं ले पा रहे हैं, ग्रैंड लीग के टीम के अच्छे पिक हो जाते हैं। वैभव अरोड़ा दोस्तों कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है, पिछले 4 मैच में 3 विकेट हैं, और राहुल चाहर ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, तो पिछले 4 मैच अगर आप देखोगे तो 6 विकेट अपनी टीम के नाम कर चुके हैं, 1 मैच विकेट लेस किया था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने गिव अवे के दूसरे सवाल के, जो एक सवाल है मैंने आपसे पूछ लिया, दूसरा सवाल आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा, इसमें आपको बताने के भाई शिखर धवन इस मैच में कितना स्कोर करेंगे, साथ ही साथ उनका विकेट इस मैच में कौन लेगा, दोनों सवाल हो गए, जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये दो अपने सब जो है गिव अवे के रूल हैं, ये आपको फॉलो करने जरूरी हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेयर बैटल साबित हो सकते हैं, तो आपका जो पूरा फोकस है यार वो थोड़ी देर के लिए मेरे को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन और पंजाब किंग्स के बॉलर के बारे में,
तो ज़्यादा प्लेयर बैटल तो है नहीं देखो इस मैच में, लेकिन जितने भी है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले डेविड वॉर्नर की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो प्लेयर बैटल आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कगिसोरा वाडा ने 39 बॉल में 3 बार इनका विकेट लिया है और 61 दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ T20 के रिकॉर्ड हैं, T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड भी आप पकड़ो तो इनमें 2 विकेट एड और कर लेना, टोटल 5 बार विकेट T20 फॉर्मेट में कगिसोरा वाडा डेविड वॉर्नर के चमका चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों राहुल चाहर की अगर मैं बात करूं तो 28 बॉल में 50 रन, राहुल चाहर को बहुत अच्छा मारते हैं, ठीक है, विकेट अपना एक बार भी नहीं दिया, इसलिए मैं राहुल चाहर को कंफर्म करने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन कर दिया, राहुल चाहर अच्छे बोल रहे हैं, इनका नहीं और किसी का विकेट लेंगे। और डेविड वॉर्नर और अर्षदीप सिंह की भी अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 28 बॉल में 43 विकेट ये भी नहीं ले पाए, मतलब दोनों को अच्छा खेलते हैं, इनमें 28 में 50 मारी है, इनमें 28 में 43 मारी है, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये तो हो गई है बात दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन और पंजाब किंग्स के बॉलर के बारे में, अब हम बात करेंगे पंजाब किंग्स के बैट्समैन और दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले देखो यार सब्सक्राइब ना हो, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भाई 1 सेकंड लगेगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, इसमें आपका ही फायदा होगा, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 3-3.5 साल से मैं इनका फ्री में प्रॉफिट करवा रहा हूँ, आपका भी करवा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, क्योंकि मैं तो फ्रीली बोलता हूँ, मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको किसी दिन ऐसा लगे कि भाई ये चैनल मेरा प्रॉफिट नहीं करवा पा रहा है, उसी दिन अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि मेरे को पता है ना यार मैं आपका रेगुलरली प्रॉफिट जब करवा सकता हूँ, इतनी IPL में विनिंग स्ट्रीक चल रही है तो फिर कहाँ दिक्कत है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और जितने भी अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ उनसे अपडेटेड रहना, आपका प्रॉफिट होता रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं देखो पंजाब किंग्स के बैट्समैन और दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स के बारे में, तो इसमें भी जो पूरा फोकस है वो सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर फोकस्ड है, शिखर धवन, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दो। सबसे पहले शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूँ तो 44 बॉल में 2 बार विकेट शार्दुल ठाकुर शिखर धवन का ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 69 रन भी ठोके हैं, यानी कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं लेकिन कई बार अपना विकेट दे देने, ठीक है। कुलदीप यादव की दोस्तों मैं बात करूँ तो इनसे जरूर खतरा है शिखर धवन को, काफ़ी अच्छा खतरा है, और कुलदीप यादव आपको पावर प्ले के अंदर बॉलिंग भी करते हुए दिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिखर धवन को हटाने के लिए, क्यों, क्योंकि 37 बॉल में 34 रन यानी कि 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट, साथ ही साथ दोस्तों 2 बार अपना विकेट भी दे दिया है, ठीक है। खलील अहमद की दोस्तों बात करूँ तो 15 बॉल में 13 रन 1 बार विकेट, तो थोड़ा सा परेशान आपको खलील अहमद भी शिखर धवन को करते हुए दिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों मैंने आपको जो भी प्लेयर बैटल बताए हैं ये वही प्लेयर बैटल हैं जो कन्फर्म है, ठीक है, मतलब ये प्लेयर खेलेगा ही खेलेगा। बाकी दोस्तों कुछ प्लेयर बैटल और हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ टेलीग्राम पर टॉस के बाद मैं शेयर करूंगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बार स्टार्टिंग से अगर आप रिकैप करोगे तो मैंने आपको पिच रिपोर्ट बताई, वेन्यू रिपोर्ट बताई, टीम न्यूज़ बताई, प्लेयर के सारे रिकॉर्ड बताए, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताई और दोनों टीम्स के प्लेयर बैटल बताए। आगे इस वीडियो में दोस्तों अब मैं आपको अपनी एक डेमो टीम शो करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये डेमो टीम है, ये फाइनल टीम नहीं है, ठीक है। कोई भी भाई ये गलती मत कर देना कि इस टीम को कॉपी करें और अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले, अपना लॉस करवा बैठोगे यार, क्योंकि ये डेमो टीम है, इसमें फाइनल अपडेट होना बाकी है, टॉस के बाद होंगे वो सारे अपडेट, मैंने आपको बता दिया। ये टीम सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको आइडिया लगे कि इस मैच में आपको किस तरीके की टीम बनानी है, अपनी फाइनल टीम हमेशा की तरह रेगुलरली आपको अपने टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पे प्रोवाइड करवाई जाती है, बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग रेगुलरली विनिंग कर रहे हैं, विनिंग स्ट्रीक अपनी चल रही है, तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना मेरे भाई, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी, वीडियो खत्म होने वाला है उसके बाद जाके तुरंत आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है। बात करते हैं दोस्तों अब हम अपनी डेमो टीम की, तो वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी, देखो ऋषभ पंत को मैंने अपनी टीम में रख लिया, शिखर धवन को मैंने रख लिया, पृथ्वी शो को रख लिया, डेविड वॉर्नर को रख लिया, चारों को फिक्स कर दिया था, फिर मैंने जोनी बेस्टो को अपनी टीम में उठा लिया थोड़ा रिस्क लेने के चक्कर में, क्योंकि जोनी बेस्टो एक काफ़ी डेंजरस बैट्समैन है, अभी 2-3 मैच में नहीं चले तो क्या हुआ, कभी भी रिदम पकड़ सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ जब रिदम पकड़ेगा तब 50+ स्कोर इसका एकदम से आएगा। उसके बाद दोस्तों लियम लिविंगस्टन फिक्स कर दिया था, शार्दुल ठाकुर को मैंने अपनी टीम में उठा लिया, पिछले कुछ मैचेस से अच्छी रिदम में चल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों कुलदीप यादव फिक्स कर दिया था, राहुल चाहर को मैंने अपनी टीम में उठा लिया, कगिसोरा वाडा फिक्स कर दिया था, खलील अहमद को मैंने अपनी टीम में उठा लिया, ठीक है, इन सभी प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में उठा लिया। बाकी मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ डेमो टीम है, फाइनल टीम वेट करना, टेलीग्राम चैनल पर फाइनल अपडेट के बाद प्रोवाइड करवाई जाएगी। बात करते हैं दोस्तों हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 प्लेयर्स में, लेकिन उससे पहले देखो अपना यार वीडियो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, जिस भी भाई ने यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, 5000 लाइक कंप्लीट करने यार, कल किया था आज भी कर दो, 1 सेकंड लगेगा है ना, तो करके जाना। बाकी बात करते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन 11 प्लेयर में, तो यार देखो सबसे पहले तो डेविड वॉर्नर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस हो जाते हैं, लियम लिविंगस्टन काफ़ी अच्छी चॉइस है, शिखर धवन एक अच्छी चॉइस है, ठीक है, और उसके अलावा यार मेरे को ज़्यादा बेटर तो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहो तो जोनी बेस्टो के साथ जा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आप ग्रैंड लीग में करना, स्मॉल लीग में इतना बड़ा रिस्क मत ही ले हो तो ठीक है, ठीक है।
तो और बाकी दोस्तों अपने कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी अगर कोई चेंज आता है वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। हाँ ना, पृथ्वी शो भी है एक वाइस कैप्टन की चॉइस, और कोई आता है आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।